दिनांक 10 जुलाई दिन रविवार को अमरकंटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से भगवान जगन्नाथ जी की वापसी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं प्रोफेसर श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी ने इस यात्रा की महत्व की जानकारी दी। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। इस दौरान कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी जी की पत्नी श्रीमती शीला त्रिपाठी जी भी साथ रहीं। भगवान जगन्नाथ की 9 दिन की रथ यात्रा होती है। जब पहले दिन निकलते हैं तो उसे रथ यात्रा कहते हैं, पुरुषोत्तम यात्रा कहते हैं, गुंडीचा यात्रा कहते हैं, और जिस क्षेत्र में यह रथ यात्रा जाती है उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। और इस यात्रा का पड़ाव होता है गुंडीचा मंदिर, वह जनकपुर में स्थित माना जाता है। माँ गुंडीचा को उनकी मौसी कहा जाता है। उनके परम भक्त जगन्नाथ जी के इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी है, इसीलिए रानी गुंडीचा कहा जाता है। उनके यहाँ जाकर 7 दिनों विश्राम करते हैं। यहाँ से निकलते तो हैं 1 दिन के लिए अपनी बहन सुभद्रा को भ्रमण कराने के लिए, लेकिन वहाँ थोड़ा प्रवास लंबा होता है। पहली बार पूरे ब्रह्मांड में यह व्यवस्था ईश्वर ने दी कि हम उन लोगों से जाकर मिलें जो हमसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास नहीं आ पाते। इसलिए जगन्नाथ हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो जगत से मिलने के लिए और जगत में जन से मिलने के लिए निकलते हैं। इसीलिए इसे रथ यात्रा कहते हैं कि भगवान स्वयं निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। रथ यात्रा का महत्व ये है कि इसमें जो सम्मिलित होता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है, 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। हम सभी मनुष्य हैं, गृहस्थ हैं, कुछ योगी तपस्वी भी हैं, संजो बस मनसा वाचा कर्मणा कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जो रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसके सारे दोष तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, जो उससे हुआ होता है, जो अनचाहे में जो नहीं चाहता, और आगे के लिए पुण्य अर्जित होता है। इसीलिए रथ यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। रथ यात्रा देखना भी उतना महत्वपूर्ण है जितना रथ की रस्सी खींचना महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ईश्वर के पास पहुंचना कठिन है। रथ यात्रा में वह अपने भक्तों से गले भी मिलते हैं। इस ब्रह्मांड की पहली व्यवस्था जिसमें साक्षात ईश्वर अपने भक्तों से गले मिलते हैं, इसलिए लोग दौड़ कर स्पर्श कर लेते हैं, कुछ गले मिल लेते हैं, सब कुछ छूट रहती है। वापसी की यात्रा 9वें दिन होती है, इसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं, वापसी यात्रा कहते हैं। जो ये रथ चलता है इनका, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि इसमें तो तीनों मिले हुए हैं। ताल रथ कहते हैं जिसमें बलभद्र जी चलते हैं, पद्म रथ कहते हैं जिसमें माँ सुभद्रा चलती है, और इनके रथ को गरुण रथ कहते हैं, नंदी घोष रथ भी कहते हैं। नंदी घोष का आशय बहुत बड़ा है। नंदी आप जानते हैं भगवान शिव की, उनका घोष अर्थात विश्व कल्याण का घोष। भगवान शिव तो कल्याण के स्वामी है, इसीलिए सुमन कल्याण, इसीलिए नंदी घोष रथ भी कहते हैं। गरुण ध्वज इसलिए कहते हैं कि हमेशा गरुण जी उनके साथ ही चलते हैं। तो वापसी यात्रा में पुनः वो एक वापसी होती है जिसमें अपने मौसी के यहाँ से निकलते हैं। इस पूरी यात्रा में कुछ बड़े रोचक प्रसंग होते हैं। हम जब मौसी के यहाँ से भगवान को हम क्या लेके चलते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, तो जहाँ आते हैं इसे श्री मंदिर कहते हैं। मौसी के मंदिर को श्री गुंडीचा मंदिर कहते हैं। श्री मंदिर क्यों? लक्ष्मी नारायण आपने सुना होगा, लक्ष्मी और नारायण तो कभी बिलग नहीं होते, लेकिन इस यात्रा में थोड़ा दिखता है ऐसा, इसलिए लक्ष्मी जी बहुत नाराज़ होती हैं, सभी लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो जो लोकमत है, लोक व्यवहार है, उसका प्रदर्शन इस ईश्वर के माध्यम से होता है कि जगन्नाथ से भी लक्ष्मी जी नाराज़ हो सकती हैं। वह जाती हैं मिलने के लिए, पर्याप्त नाराज़गी व्यक्त करती हैं, और भगवान भी लक्ष्मी जी को मनाते हैं, अनुनय भी नहीं करते, करना भी चाहिए, क्योंकि शिव और शक्ति तो मिलके होते हैं, ईश्वर लक्ष्मी से मिलके नारायण बनते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं, उसके बाद फिर उनसे कहते हैं कि
मैं जल्दी ही आऊँगा। अभी एक उपक्रम यहाँ का है, दो लोगों को तो आसानी से अनुमति मिल जाएगी। जगन्नाथ जी के पहले बलभद्र जी चलेंगे, फिर माँ सुभद्रा आएंगी, उनके श्री मंदिर में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी को थोड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी, कठिनाई करनी पड़ेगी। एक शब्द है मनुहार, मनुहार करनी पड़ेगी, फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी को नारायण पर पसंद ही होती है, लेकिन यह दिखलाना इसलिए होता है कि इस रथ यात्रा में हमारे गृहस्थ जीवन में क्या क्या होता है उसका भी एक निरूपण होता है। भगवान अस्वस्थ भी होते हैं, भगवान से लक्ष्मी जी नाराज भी होती हैं। एक और महत्व है कि ईश्वर ने बताया, सबको समझना चाहिए कि ईश्वर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ, उनके बड़े भाई बलभद्र के साथ बहन का कितना महत्व है। इसलिए सबको ध्यान रखना चाहिए, बहन और बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है जगन्नाथ जी ने बताया। ये सारे आशय होते हैं लोक व्यवहार, लोक मत, शास्त्र मत, इस रथ यात्रा में सभी दिख जाते हैं। एक और विशेषता ये होती है, जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं 7 दिन, तो ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए जो उस बीच जाकर के देख लेता है उस स्थान को, भगवान जगन्नाथ को, माँ सुभद्रा को, बलभद्र जी को, सारे तीर्थों का फल पाता है। जो नहीं पहुँच पाया वापसी यात्रा में, जिसे बाहुड़ा यात्रा का, अगर सम्मिलित हो लिया, देखा या ध्यान कर लिया, कहीं से सुन लिया, उसे भी सारे तीर्थों का फल मिलता है। यह भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महत्व है। 100 यज्ञों का फल, सभी तीर्थों का फल, मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होते हैं, जो मनोविकार हैं। देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो सभी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ईश्वरत्व है, देवत्व है, सभी उत्तम आत्माएं हैं। यह शरीर भी तीर्थ है, तीर्थ इसलिए कहते हैं कि भगवान जहाँ होते हैं वो तीर्थ बन जाता है, आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए देह भी तीर्थ है। तो ये सभी तीर्थ हैं इस समय जो यहाँ सामने खड़े हुए हैं। सबको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ ने क्या सीख दी है, कैसे लोगों के बीच में पहुँचते हैं, अर्थात हमें बड़ा पद मिले तो उसका अहंकार नहीं, जो हमारे सामने आए उसका सत्कार होना चाहिए। और यही लोक व्यवहार है जिसकी शिक्षा भगवान जगन्नाथ देते हैं। सबको इसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए, परस्पर प्रेम, सहयोग, समन्वय और सहयात्रा।